नमस्ते बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 4 नागरिक सुरक्षा करने जा रहे हैं। आओ मिलकर अभ्यास करें। नागरिक सुरक्षा अभ्यास प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं? उत्तर, हवाई हमला होने पर जनता को 2 से 3 मिनट पहले सायरन द्वारा सूचना दी जाती है। इससे बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, सुरक्षित स्थानों पर छिपने से 65% तक बचाव हो सकता है। दूसरा, खुले में पेट के बल लेटने पर 50% तक बचाव हो सकता है। तीसरा, निचले स्थान नाले या खाई में शरण लेने पर 35% तक बचाव हो सकता है। चौथा, पक्के मकानों में 90% बचाव होता है। पांचवा, गृह में शरण लेने पर 95% बचाव होता है। अतः उक्त विधियों से उपरोक्त छिपकर बचाव किया जा सकता है। ख, हवाई हमले से अपने घर को बचाने के लिए ब्लैक आउट करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, शत्रु द्वारा रात्रि में हवाई हमला करने की स्थिति में ब्लैक आउट किया जाता है। इसमें ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे शत्रु भ्रमित हो जाए और लक्ष्य ना पहचान सके। ब्लैक आउट के समय बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, प्रकाश पर प्रतिबंध। दो स्तरों पर यह प्रतिबंध लगाया जाता है। पहला, प्रथम स्तर पर, पहला, हवाई हमले की संभावना पर मकानों की खिड़की, दरवाजे व रोशनदानों के शीशे काले रंग से रंग दिए जाते हैं। दूसरा, विज्ञापन बोर्डों व विद्युत खंभों की लाइट बंद कर दी जाती है। दूसरा, द्वितीय स्तर पर, पहला, हमला निश्चित होने पर पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। दूसरा, यह पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। दूसरा, केमाप्लाजिंग व कंसीलमेंट, इसे इंग्लिश में कैमोफ्लॉज भी कहते हैं। आकार गोपन व छद्मावरण, कैमोफ्लॉज का मतलब होता है जब, जैसे कि कैमिलियन एक जानवर है जो कि जिस सरफेस पे बैठता है वैसे रंग का आकार ले लेता है और छिप जाता है। जैसे कि शेर जहाँ बैठता है वहाँ झाड़ियों में, वैसा ही कैमोफ्लॉज हो जाता है और छिप जाता है। तो जिस स्थान में हम हैं उसी तरह का रंग कर लेना या उसी तरह का प्रिंट कर लेना, इसे कैमोफ्लॉज कहते हैं। और यही तरकीब इस ब्लैकआउट में इस्तेमाल की जाती है। शत्रु बम गिराने के लिए लक्ष्य पहचानने की कोशिश करता है, इसलिए लक्ष्य को पेंट कराना, हरे पत्तों व टहनियों से ढकना ज़रूरी होता है। इससे पायलट भ्रमित हो जाता है। जब हम पेंट कर देते हैं और हरे पत्तियां बना देते हैं पेंट से, तो वह लगता है कि जैसे वहां पेड़ है और इसे बोलते हैं कैमोफ्लॉज। ग, नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल को हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, हवाई आक्रमणों से जन धन की हानि को कम करना। दूसरा, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना। तीसरा, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना। चौथा, शांतिकाल में अधिकारियों एवं स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना। पांचवा, सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो व महामारी के रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना। जैसे कि आजकल कोविड चल रहा है और जो सरकार टीकाकरण कर रही है उसमें सहयोग प्रदान करना भी इसी में ही आता है।
घ आग लगने पर किस तरह से बचाव करना चाहिए। उत्तर, आग लगने पर निम्नलिखित कार्य करके बचाव करना चाहिए। पहला, आग लगने पर सीधे पानी डालकर बुझाना चाहिए। दूसरा, ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल डीजल आदि में आग लगने पर हवा से संपर्क हटा देना चाहिए। तीसरा, गैस से आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझानी चाहिए। चौथा, गैस के रेगुलेटर नाब को बंद कर देना चाहिए तथा घर के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। पांचवा, बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच से बिजली काट देनी चाहिए। छठवां, शरीर में आग लगने पर शरीर को कंबल से ढक देना चाहिए। प्रश्न अंगा, रसोई गैस से आग लगने पर बचाव के कौन कौन से तरीके अपनाएंगे? उत्तर, रसोई गैस से आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझाना चाहिए। जल्दी से गैस सिलेंडर का नाब बंद करके बाहर निकाल देना चाहिए। प्रश्न दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर, क, नागरिक सुरक्षा संगठन प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षा कार्य में सहयोग करता है। ख, हवाई हमला बंद हो जाने पर हरे रंग की प्रकाश दिखाया जाता है। ग, रात्रि में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैकआउट किया जाता है। घ, पेट्रोल से लगी आग को फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। अंगा, गैस की आग बुझाने के लिए जूट की बोरी का प्रयोग करते हैं। प्रश्न तीन, निम्न कथनों में जो सही हो उनके आगे टिक का चिन्ह और जो गलत हैं उनके आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। उत्तर, क, हवाई हमले की संभावना पर पीले रंग का संकेत दिया जाता है टिक। ख, दुर्घटना में रक्त स्राव होने पर कटे स्थान को खुले छोड़ देना चाहिए क्रॉस। ग, हवाई हमले के समय कानों में रुई लगा लेना चाहिए तथा दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लेना चाहिए टिक। घ, दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करनी चाहिए टिक। अंगा, युद्ध की संभावना टल जाने पर नीले प्रकाश द्वारा संकेत दिया जाता है क्रॉस। च, बिजली से लगी आग बुझाने के पहले मेन स्विच बंद कर देना चाहिए टिक। प्रश्न चार, मिलान कीजिए। उत्तर, लकड़ी ठोस, पेट्रोल द्रव्य, एलपीजी गैस, मैग्नीशियम धातु। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल स्मार्ट किड्स वंडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद बच्चों।